अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट। इसमें मैंने सबसे पहले लिया है प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पत्ता गोभी 100 ग्राम के लगभग पत्ता गोभी है। दो मीडियम साइज़ के गाजर हैं, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे चावल का आटा है 4 टेबल स्पून। शिमला मिर्च है, एक मीडियम शिमला मिर्च है। 100 ग्राम बेसन है। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। एक टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और एक टेबल स्पून जिंजर पेस्ट है। एक टीस्पून सोया सॉस, एक टीस्पून चिली सॉस, एक टीस्पून विनेगर है, इसको हमने मिक्स कर लिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब सभी को हमें मिक्स करना है। तो सबसे पहले पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बेसन, राइस फ्लोर। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक। नमक हम यहाँ पे कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो सॉस लिया है उसमें भी ऑलरेडी नमक है, इसीलिए नमक यहाँ पे कम यूज़ होगा। सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब ये ड्राई मसाले ऐड करेंगे और अब एंड में ये ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमें थोड़ा गुनगुना ऐड करना है, इससे क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं और पकोड़ों में ऑयल भी कम एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए ऑयल हमें गुनगुना ही ऐड करना है। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। पानी हमें अभी नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब हमें लगे कि थोड़ा पानी हमें इसमें ऐड करना है तभी हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल कम पानी ऐड किया है। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। इस बैटर में मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है और ऑयल में हमने गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब छोटे छोटे पोर्शन लेके हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे पोर्शन डालेंगे ऑयल में और इसे हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और बीच बीच में हमें इसे थोड़ा चलाना है। इन पकौड़ों में सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, अगर हम बेसन ज़्यादा कर देंगे तो वो चाइनीज़ पकौड़े नहीं बन पाएंगे, वो बेसन के पकौड़े बनेंगे। ये देखिए पकौड़े हमारे बन के तैयार हैं। मैं इसे अब निकाल लूँगी, तो मैं इसको एब्जॉर्बिंग पेपर में निकालूँगी। और ये देखिए आप इसे सोया सॉस चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत कुरकुरे और टेस्टी बनके तैयार होते हैं।